चुने जाने के बाद कार्य ना करना और मतदान होने पर मतदाताओं पर दबाव बनाने वाले प्रत्याशियों की पोल खुलने लगी है। मामला हनुमना जनपद का है, जहां पोलिंग बूथ में अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाने वालों के बीच हंगामा हुआ है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समझाइश दी है। इस दौरान कुछ समय के लिए मतदान प्रभावित रहा। दरअसल मामला हनुमना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत तेंदुआ बैलान का है, जहां मतदान को लेकर विवाद हुआ। सरपंच पद के प्रत्याशी नरेंद्र तिवारी के पुत्र द्वारा मतदान केंद्र के भीतर अपने पक्ष में मतदान की कोशिश को लेकर प्रतिद्वंदी सरपंच पद के प्रत्याशी शारदा तिवारी द्वारा विरोध किया गया, तो पोलिंग में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते काफी समय के लिए मतदान बाधित रहा। प्रत्याशी और उनके पुत्र को बूथ से बाहर करने की मांग करते हुए अन्य प्रत्याशी अड़े हुए थे। पुलिस के काफिला नहीं, पुलिस के काफिला।